वेलकम टू माय एग्री क्लासेस। नाउ वी स्टडी हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा इज अ पॉलीफेगस पेस्ट। देयर कॉमन नेम इज ग्राम पॉड बोरर, अमेरिकन बॉल बोर, कॉर्न ईयर बोर्न, टोमेटो फ्रूट बोरर ईटीसी। देयर ऑर्डर इज लिपिडोप्टेरा। फैमिली इज नॉक्टिडे। देयर होस्ट प्लांट इज चीक पी, पीजन पी, पी मूंग बीन, उर्द बीन, लेंटिल, सोयाबीन, कॉफी, कॉटन, सोरगम, ओकरा, मेज, टोमेटो, वर्शिम, सनफ्लावर, ईटीसी। देयर आर होस्ट प्लांट। डिस्ट्रीब्यूशन दिस पेस्ट इज कॉसमपुड एंड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। आइडेंटिफिकेशन इन देयर मेनी स्टेजेस। देयर आर फोर स्टेजेस। फर्स्ट इज ईग आर स्फेयर्ड इन शेप एंड क्रीमी वाइट इन कलर। देयर कलर इज वाइट। लेडी सिंगल ऑन टेंडर पार्ट ऑफ द प्लांट। लार्वा आइडेंटिफिकेशन देयर लार्वा शो कलर वेराइटीज फ्रॉम द ग्रीनिश टू ब्राउन। देयर कलर लुक लाइक्स ग्रीनिश एंड ब्राउन। ग्रीनिश विथ डार्क ब्राउन ग्रे लाइन लेटरली ऑन द बॉडी। देयर बॉडी इज डार्क ब्राउन विथ लेटरल वाइट लाइन्स एंड ऑल्सो हैज डार्क एंड पेल रेड। देयर बॉडीज अपर सरफेस लुक्स इन वाइट लाइन पीपा कलर इज ब्राउन इन कलर। अकर्स इन सॉइल लीफ फोड एंड क्रॉप डिब्रिश। मतलब भूरे रंग का भूमि में पत्तियां फलियां और फसल अवशेष में पाया जाता है। एडल्ट लाइट पेल ब्राउनिश येलो अस्टूट मोते। मतलब ये ब्राउन कलर का एडल्ट होता है। फोर विंग्स ग्रे टू पेल ब्राउन। इसका फोर विंग्स होता है जो ग्रे कलर्स का होता है और ये वी शेप का होता है। हिंड विंग्स आर पेल स्मोकी वाइट विथ ए ब्रॉड ब्लास्किंग और आउटर मार्जिन। इसका हिंड विंग्स होता है जो आउटर मार्जिन होता है। मतलब हल्का धब्बा धब्बा जैसा होता है। ये जो देख रहे हैं इसका एग है, ये इसका लार्वा है, ये इसका प्यूपा है, ये इसका एडल्ट है। एडल्ट जो वी शेप का है। इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। इसका ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है इसीलिए इसका फोर स्टेज होता है। फर्स्ट इज एडल्ट। एडल्ट जब फर्टिलाइज करते हैं तो एग को हैच करते हैं। एक बार में 100 एग्स को हैच करते हैं। उसके बाद 3 to 6 डेज बाद ये लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर 40 to 21 डेज तक ये लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये प्यूपा 4 to 5 डेज बाद एडल्ट में वापस से कन्वर्ट हो जाता है। फिर से ये फर्टिलाइज करते हैं और ये एग को हैच करते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल था। इसका नेचर ऑफ डैमेज, ये किस तरह से क्रॉप को और प्लांट के फ्रूट को ये डैमेज करते हैं। फर्स्ट डैमेज कॉज बाय द कैटरपिलर एंड लार्वा। ये इसके कैटरपिलर और लार्वा ही डैमेज करते हैं। द लार्वा डैमेज बाय द ग्रोइंग इनटू पॉड वॉल फ्रूट्स एंड फीड्स इन इनर कंटेंट व्हाइल फीडिंग इन दर्सिस्ट इन हीड इनसाइड द लिविंग द रेस्ट ऑफ इट्स बॉडी आउटसाइड। जब इंटर करते हैं तो इसका बॉडी का हाफ पार्ट फ्रूट के अंदर रहता और हाफ बाहर रहता है। जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये जो फिगर है इसमें हाफ पार्ट अंदर है और बाहर है। ये जो मेज कवर है, मेज को ये किस तरह से डैमेज कर रहा है, इस किस तरह से फ्रूट को डैमेज कर रहा है और एक किस तरह से ग्रम पॉड बोरर इसे भी कहते हैं। द इंटर होल इज लार्ज एंड सर्कुलर। इसका जो होल होता है वो लार्ज होता है। ई आई एल 8 to 9 मंथ पर परमोन स्ट्रैप
पर डे और 5 eggs टू पर प्लांट और 1 larva प्लांट और 5 to 10 इंसेक्टेड फ्रूटिंग बॉडीज। अब इसका मैनेजमेंट, जब ये डैमेज करता है तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है? देर आर मेनी मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज कल्चरल मेथड, इसको हिंदी में कृषि विधियाँ बोलते हैं। रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड, उर्वरक के हम संतुलित डोज को अप्लाई करते हैं ताकि इससे ज़्यादा ये इफेक्ट ना कर पाए। इंटरक्रॉपिंग का यूज करते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्राउंड नट, सोयाबीन शुड बी सोन, एक साथ सो करते हैं। सो ट्रैप क्रॉप लाइक मैरीगोल्ड एट 50 प्लांट पर हेक्टेयर, अगर ज़्यादा बचाना है तो फिर 1 hectare में 50 मैरीगोल्ड प्लांट को ग्रो करते हैं। इसका फिजिकल कंट्रोल, फिजिकल मेथड क्या है? कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईग एंड लार्वा ऑन द ट्रैप क्रॉप एज वेल एज मेन क्रॉप। इसका मैकेनिकल मेथड से इसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं? यूज टू फार्मोन ट्रैप, इसका फार्मोन ट्रैप को यूज करते हैं जो 4 trap पर एकर होता है, फॉर पेस्ट इनसाइट आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज टू ट्रैप मेल मोथ, इस मेल मोथ को हम ट्रैप करते हैं। सीटिंग ऑफ लाइट ट्रैप, 1 light trap पर एकर, मतलब 1 acre में 1 light trap का यूज करते हैं। टू नोन रेंज ऑफ पेस्ट इंसेक्टिसाइड एज वेल एज किल मोथ पॉपुलेशन, जो कि मोथ के पॉपुलेशन को किल कर देता है। एवरेज 10 word percentage एरिया, ना तो फिर हम वर्ड, ऐसे वर्ड को इस्तेमाल करते हैं जो कि वो इसे डैमेज करते हैं। इसका बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल तरीके से कैसे कंट्रोल कर किया जाता है? रिलीज ट्राइकोगर्मस पैरासाइट्स का यूज करते हैं 20,000 पर एकर। बेसिल्स थ्रोजेनेसिस का यूज करते हैं, सॉइल, जिसे सॉइल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। NPV का, NPV 250 एली प्लस 1 kg जर्जरी प्लस 200 सैंडविटी और ट्रिपल मिक्सिंग, इसको ट्रिपल मिक्स करके फिर स्प्रे करते हैं इन इवनिंग आवर, इवनिंग टाइम करते हैं। NPV इज मोर इफेक्टिव इन क्लाउडी वेदर, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब वेदर क्लाउडी होता है। बायोपेस्टिसाइड से कैसे हम इसे कंट्रोल करते हैं? स्प्रे 5% नीम ऑयल बिफोर एग लेंग, जब एग लेंग से पहले हम नीम केक का, नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो इसे थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। 5 kg नीम कर्नेल एक्स्ट्रा पर एकर, ऐड एनी स्टिकी मटेरियल टू स्प्रे मिक्सर, ये मिक्स करके हम इसे स्प्रे करते हैं। जब ये सबसे कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम लास्ट में केमिकल कंट्रोल का यूज करते हैं, जो बहुत सारे केमिकल्स जो मार्केट में अभी उपलब्ध हैं, लेकिन ये सब जो इसके हैं। फर्स्ट इज कॉर्निफ्लोस 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर का यूज करते हैं। प्रोफिनोफोस का यूज करते हैं, साइपर मिथाइन का यूज करते हैं, डेल्टा मिथाइल मेथेरिन का यूज करते हैं, इंडो एरेस्क 14.5 SC 200 ml वाले कर का यूज करते हैं। थैंक यू, आजकल इतना ही।